वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आदुषी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अलग सा वीडियो। मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ जो यूट्यूब पे काफी धूम मचा रही है। मैं पहले भी एक वीडियो में एक अलग से बात आपसे की थी, शेयर की थी, जो यूट्यूब पे काफी धूम मचा, वो थी पिलॉप चैनल। ठीक वैसे एक और प्रोडक्ट है जो काफी फेमस हो चुका है। मैं बात करूँ मेंस्ट्रुअल कप की, जिसके बारे में हर यूट्यूबर बात कर, हर कोई ये क्लेम कर रहा है कि ये काफी अच्छा है, काफी सही है। तो मैं सोची क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करूं कि वास्तव में ये है कैसा। तो इसको मैंने मंगाया है अमेजोन से। अमेजोन के अलावा आप इसको किसी भी दुकान से भी खरीद सकते हो, कम से कम प्राइस में और हाई से हाई प्राइस में मिल जाएगा, और ये अलग अलग ब्रांड में भी आपको मिल जाएगा। तो मैं मंगा रखी हूँ अमेजोन से और ये मुझे मिला है 250 का, और ये जो ब्रांड है शिरोन ब्रांड का है, और ये क्लेम करता है कि 8 से 10 आवर्स आपको प्रोटेक्शन देगा बिना किसी लीकेज का, बिना किसी रेसेस इसकी। या अलग अलग हर ब्रांड की क्लेम है कि ये 10 वर्ष तक टिका रहेगा, यानी कि आप इसका यूज 10 वर्ष तक कर सकते हो। तो गाइस, मैं इसका अनबॉक्सिंग करती हूँ, और इसके अंदर है एक पाउच, जो ज्वेलरी की पाउच होती है उस टाइप की, एक रेड कलर की पाउच है, और के अंदर है मेंस्ट्रुअल कप। आप देख सकते हो कि ये पिंक कलर का मेंस्ट्रुअल कप है, और इसकी साइज है मीडियम। मैंने मीडियम साइज मंगा रखा है, ये 3 साइज में अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो इसको मैं ओपन करती हूँ, और आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का है, और ये जो है ये सिलिकॉन का बना हुआ है, और जो सिलिकॉन होती है हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए, यानी हमारे वर्जिना के लिए हार्मफुल नहीं होती, यानी कोई नुकसान नहीं करता, ऐसा जो गायनिक डॉक्टर है उनका कहना है। और ये जो पैकेट आप देख रहे हो, इसके अंदर आप इस मेंस्ट्रुअल कप को कैरी करके अपने पर्स में रख सकते हो, यानी कि आपको जब लगे कि आपको आपके पीरियड का डेट पास है या आपका पीरियड आने वाला है, तो आप इसको कैरी करके अपने पर्स में रख सकते हो। आप किसी ट्रेवल में या फिर आप ऑफिस जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, आपके पास ये रहेगा, छोटा सा साइज है, आपके पर्स में आसानी से आ जाएगा, किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आप इसको कैरी करोगे। और अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल कप की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सिलिकॉन का बना हुआ है, और जो सिलिकॉन होता है वो हमारे वर्जिना के लिए हार्मफुल नहीं होता है, ऐसा गायनिक डॉक्टर का कहना है। इसको मैंने तभी मंगाया जब मैं अपनी डॉक्टर से बात कर उनसे मैंने पूछा कि इसको लगा यूज करना क्या हार्मफुल हो सकता है, उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें सिलिकॉन का यूज किया हो तो ये आपके वर्जिना के लिए सही है। तो ये तो रही बात मेंस्ट्रुअल कप की। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना है, और गुनगुने पानी में आपको इस मेंस्ट्रुअल कप को डिप करना, यानी इसको भी क्लीन करना। मेंस्ट्रुअल कप को क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है कि एक चेयर लेने, और चेयर पे एक पैर आपका चेयर पे और दूसरी पैर आपकी जमीन पे होनी चाहिए, इस पोजीशन में आपका बॉडी होना चाहिए। उसके बाद मेंस्ट्रुअल कप को आपको लेना है, इस तरीके से मेंस्ट्रुअल कप का शेप होना चाहिए, सेम उसी तरह से आपको मेंस्ट्रुअल कप को शेप बनाना है, इस तरह से मोड़कर, और उसके बाद आपको अपने वर्जिना में इसको सेट करना है, यानी इसको पुश करना है अंदर। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपके वर्जिना में अंदर जाएगा, उसका थोड़ा इस मेंस्ट्रुअल कप का पूरा हिस्सा अंदर रहेगा और थोड़ा सा हिस्सा बाहर यहाँ रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा बाहर लटक रहा है, तो आपको क्या करना है कि इसको बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के बाद आपको इसको थोड़ा सा कट कर देना, यानी इसका जो ये बाहर का हिस्सा इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। इसको अंदर डालते ही अगर आपके मेंस्ट्रुअल कप से कट की आवाज नहीं आती, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। आपको क्या करना है कि ये जो बाहर का हिस्सा है इसको आप धीरे धीरे पुश करना है, बिल्कुल इस तरीके से। ऐसे आप इसको पुश करोगे तो आपका जो मेंस्ट्रुअल कप है आपके वजीना में धीरे धीरे ओपन हो जाएगा, और इसका जो ये हिस्सा पूरी तरह से खुल जाएगा, और उसके बाद आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुअल कप है बहुत काम की चीज है। जहाँ तक रही बात पैड की, तो मान लो आप एक अनुमान लगाओ कि आप एक पीरियड में अनुमानन 10 पैड यूज करते हो, और एक पैड का दाम होता है 10 रुपया, तो हम एक साल में कुल 120 पैड का यूज करते हो, तो टोटली इसका कुल प्राइस कुल 1440 रुपए का पैड यूज करते हो। जरूरी नहीं कि हर पैड का दाम एक सा होती है, मेरा खुद का अनुमान है, हर पैड का अलग अलग दाम हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कुल पैड में इतने पैसे खर्च होते हैं। तो हम 5 साल में अपने पैड का कुल प्राइस निकालते हैं, तो इसका टोटल दाम होता है 7200। तो गाइस, जैसा मेंस्ट्रुअल कप के अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने क्लेम किया है कि इसका यूज आप 10 साल कर सकते हो, तो 10 साल छोड़ के आप 5 साल भी इसका यूज करोगे तो इस मेंस्ट्रुअल कप का दाम है केवल 250। और इसके अलावा आपको इससे ऊपर का भी रेंज मिलेगा, आपको इसके नीचे का भी रेंज मिलेगा, आप जैसा मन करे आपको वैसा प्राइस मिल सकता है।
आप अंदाजा लगा सकते हो कि 5 साल में आपको इसको यूज करके आपने अपने पैड में जो आपको पैसे खर्च होता है आपने कितने पैसे बचाए, क्योंकि 5 साल में हम केवल 250 रूपए खर्च करते और वही हम पैड यूज करते तो हमारा टोटल दाम 7,200। तो गाइज मेंस्ट्रुअल कप काम बहुत काम की चीज है, आप यूज। तो गाइज मैंने इसको एक पीरियड यूज किया और मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी इसको यूज करते हुए मुझे क्या कमियां क्या खूबियां दिखी इसके अंदर। तो ये तो रही इस मेंस्ट्रुअल कप के कप से रिलेटेड वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर। तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके पक्का बताना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।